हाय किड्स एंड इट्स मी राखी फ्रॉम विद्यार्थी.in और इस सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगी द रूल्स फॉर राइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स फॉर फर्स्ट 18 एलिमेंट्स. ठीक है, ये क्वेश्चन पेज नंबर 54 पे है और क्वेश्चन नंबर 6 है चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 9. तो देखते हैं व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. क्या बताना है मुझको? रूल्स for writing of distribution of electrons in various shells for the first 18 elements. देखिए, एक formula मैंने आपको कुछ videos पहले बताया था 2n square. तो ये जो formula है 2n square, ये हमें बताएगा maximum number of electrons present in the given shell. ज्यादा से ज्यादा कितने electrons एक shell में present हो सकते हैं, ये formula हमको बताएगा. The formula is 2n square. ठीक है, 2n square. ये जो n है, it can be 1, 2, 3. Okay. And what is n? N is orbit number. N क्या है? Orbit number है. Okay. Now maximum number of electrons present in different shell. First क्या है? Maximum number of electrons present in different shells. ठीक है, तो जो हमारी k shell है उसमें जो n है it is equals to 1. तो k shell में maximum कितने electrons हो सकते हैं? Which will be given by the formula 2n square, that means 1 whole square, which becomes equals to 2. Coming to the L shell ke liye n ki value is 2. Orbit number L ka 2 hai. So 2 into 2 whole square, which will give us 8. So L shell mein maximum 8 electron present ho sakte hain. Aur K shell mein maximum 2 electron present ho sakte hain. Coming to M shell, for M, N is equals to 3. ठीक है? So it is equals to 2 into 3 whole square, which becomes equals to 18. So M shell के अंदर maximum number of electron का जो presence होना चाहिए, वो 18 होना चाहिए. Coming to the next one, N shell. N shell के लिए orbit number की value है 4. So it is equals to 2 into 4 whole square, which is equals to 32. So different shells mein kitne maximum electrons present hone chahiye, wo maine aapko bata diya hai. Ye hai first rule. Second rule kya hoga? Ki jo electron present hote hain, the electrons present in the shell, the electron present in the shell, and I should say maximum number of electrons present in the outermost shell. ये एक हमारा एटम में ड्रॉ कर रही हूं. ठीक है, तो maximum number of electrons present in the outermost shell. Outermost shell इस एटम की क्या होगी? ये होगी outermost shell. This will be the outermost shell. ये वाली outermost shell होगी. कौन सी? ये वाली outermost shell होगी. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल शुड बी 8. 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं हो सकते आउटरमोस्ट शेल के अंदर. ठीक है, तो सेकंड रूल क्या कहता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल कहिए या ऑर्बिट कहिए इज 8, और मैं लिख सकती हूँ शुड बी 8. द थर्ड रूल क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे वुड नॉट अकोमोडेट इन द गिवन शेल. हमारे पास सपोज कीजिए 18 इलेक्ट्रॉन्स है या सपोज कीजिए 32 इलेक्ट्रॉन्स है. तो ये 32 इलेक्ट्रॉन्स किस शेल के लिए हैं? एन शेल के लिए हैं. तो ये 32 इलेक्ट्रॉन्स एन शेल में तब तक नहीं आएंगे जब तक कि इनर शेल्स, अब एन शेल के इनर शेल कौन कौन से? के, एल, एम. तो एन शेल के अंदर वाले शेल्स कौन से हैं? के शेल, एल शेल एंड एम शेल. तो ये जो हमारा एन शेल है
तो इलेक्ट्रॉन्स इस शेल में तब तक अकोमोडेट नहीं हो सकते जब तक कि अंदर वाले शेल्स भर नहीं जाएं, तो जब तक कि इनर शेल्स फिल्ड ना हो जाएं, ठीक है। तो अगर 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आपको पता है कि 32 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं मैक्सिममली इन एन शेल, तो ये 32 इलेक्ट्रॉन्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2, 8, 8, 8, 2 इस तरह से करके हम 32 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और उसके बाद हम एन शेल को भरेंगे। तो पहले अंदर वाले शेल्स सारे भरे जाएंगे, फिर सबसे लास्ट वाला भरा जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। सो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट अकोमोडेट इन गिवन शेल मतलब जो शेल जिसे 32 इलेक्ट्रॉन्स के लिए एन शेल गिवन है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट अकोमोडेट इन गिवन शेल अनलेस इनर शेल्स आर फिल्ड फर्स्ट। तो कहने का मतलब क्या है, स्टेप बाय स्टेप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। 32 इलेक्ट्रॉन्स है तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2, एल शेल में कितने आ सकते हैं 8, फिर एम शेल में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम 18, फिर एन में 32। तो पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना, 32 इलेक्ट्रॉन्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब हम पहुंचेंगे अपने एन शेल पे। बात समझ में आ गई आप सभी को। सो दीज वर द 3 रूल्स फॉर राइटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वेल, आगे फर्दर क्वेश्चंस में इसके रिगार्डिंग इसकी एप्लीकेशंस हैं, तो आपको बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। एंड अगर आपको कोई डाउट हो किसी भी पॉइंट में, देन प्लीज अपने डाउट्स नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपको आंसर जरूर करूंगी। सो इट्स द टाइम टू से गुड बाय नाउ।